हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जोर प्रेस करना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि भाई एक साल हो चुके हैं KGF 2 को रिलीज़ हुए। मतलब पिछले साल इसी महीने अप्रैल में हमें KGF 2 देखने मिली थी और हमें पता है कि भाई मूवी ने क्या कमाल किया है। मतलब ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में धमाका मचाया है और KGF 2 का भाई डंका बज रहा है। मतलब हर जगह उसकी चर्चा हुई थी और एक साल हो गया, मतलब मुझे तो पता भी नहीं चला भाई कि मूवी को एक साल हो गया है। इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हमें कनाडा फिल्म से देखने के लिए मिली थी और आज होमवाले फिल्म्स ने उसी चीज को लेके एक वीडियो रिलीज किया है जो है मॉन्स्टर कट KGF चैप्टर 2। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस वीडियो को देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले वीडियो देख लेंगे और फिर करेंगे चर्चा। चलो, ओके। May I come in? Iconic dialogue. Business mind, huh? Offer closes soon. Oh. ये आइकॉनिक BGM यार, स्वैग। History tells us that powerful people come from powerful places. Oh. Hi, I am Jimmy Carter. Oh. I am the CEO of Delva Steel Texas. Same. I am also CEO of India. Wonderful. Which one? India. Zabardast. 1 year of Monster KGF Chapter 2. Here is a man who comes from that powerful place. ओके, खत्म हो गया यार। ओके, तो मैं तो बस वेट कर रहा था कि और घंटा भर चलता तो मैं इसको देखते ही रहता। मतलब इसके जितने भी आइकॉनिक डायलॉग्स है, आइकॉनिक एक्शन सीक्वेंसेस है, जो स्वैग है अपना, मतलब यस सर का स्वैग है, और जो प्रशांत नील सर का जो डायरेक्शन है, जो म्यूज़िक है, मतलब क्या बोल सकते हैं। मतलब यार एक घंटा ये चलता रहता, इसके अंदर विजुअल्स चलते रहते KGF चैप्टर 2 चैप्टर 1 के, तो मैं बस देखते रहता। और क्या मुझे और क्या चाहिए, मतलब दिन बन जाता मेरा। ऑब्वियसली दिन बन ही गया है, मतलब आज सुबह रिलीज़ हुआ है और काफ़ी अच्छे व्यूज़ है इसके ऊपर। तो एक चीज़ है कि भाई लोग वापस से रीवॉच कर रहे हैं और मुझे होपफुली हूँ कि आज लोग वापस से रीवॉच करेंगे ये चीज़ को देख के। और
भाई ये लोग थिएटर में भी रिलीज करते ना तो इतना ही धमाका हो रहा होता, लोग स्टिल जा रहे होते KGF 2 को देखे, क्योंकि वो बन चुकी है यार, जो KGF फ्रेंचाइजी है वो बन चुकी है, एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जो कहीं ना कहीं कई सालों तक उसको उसकी बारे में बात की जाएगी। और जैसे इसमें एक साल हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि और आने वाले हर साल में ये लोग इस चीज़ की बात करते रहेंगे लोग कि भाई KGF कितनी बड़ी चीज़ थी, कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी जो कि कनाडा सिनेमा से आई थी और भाई जिसने सही में मतलब डंका बजा दिया था कि भाई हिट फिल्म क्या होती है, एक्शन क्या होता है, स्वैग क्या होता है, स्टोरी क्या होती, जो सबसे जो मेन चीज़ थी जो कहीं ना कहीं नॉर्थ वाली ऑडियंस को कनेक्ट कर गई ना, वो थी स्टोरी भाई की, जिस हिसाब से स्टोरी लिखी गई थी, जो स्टोरी कहीं ना कहीं हर एक बंदे को छुई थी नॉर्थ में, और जो एक्शन जिस हिसाब से इन्होंने कोरियोग्राफ किया था, जो एक्शन सीक्वेंस इसमें बनाए गए थे वो भाई हर किसी को अपील किए थे नॉर्थ में। और जो एक और जो मेजर चीज़ मुझे लगती है जो नॉर्थ ऑडियंस को इजीली पेनिट्रेट कर गई थी वो थे इसके डायलॉग्स, मतलब जिस हिसाब से इन्होंने डायलॉग्स, ऑब्वियसली हमने डबिंग में ही सुने थे लेकिन डायलॉग्स इतने ज़बरदस्त थे, वो जो CEO वाला डायलॉग यार, मतलब CEO ऑफ इंडिया, वो चीज़ यार, मतलब ऐसे आइकॉनिक डायलॉग इसके अंदर इतने सारे हैं कि हर एक बंदा अभी भी उसके जहन में है कि भाई कौन कौन से डायलॉग थे, किसने मारे, कहाँ पे मारे, ये सारे डायलॉग और जितने भी आइकॉनिक सीन्स थे, मतलब वो चेज़ वाला सीन हो या फिर वो पुलिस स्टेशन वाला सीन हो, और जितने भी आइकॉनिक जो सीन्स है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अभी भी याद है, मेरे तो अभी भी रिफ़्रेश हो गए वापस से सारे के सारे, तो भाई मज़ा आ गया। मतलब ऑब्वियसली हम जानते हैं कि आगे KGF चैप्टर 3 भी आने वाला है और उसमें क्या होगा वो सोच सोच के लोग हैरान हैं, मैं पर्सनली तो बहुत बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि क्या हो सकता है और कितना ये जो वर्ल्ड है वो कितना बड़ा होगा। तो अभी के लिए बात करें तो भाई ये सॉन्ग बहुत ही ज़बरदस्त था, विजुअल्स जिस हिसाब से बनाए गए थे, ऑब्वियसली मूवी हमें पता है कितनी ज़बरदस्त थी, कितनी आइकॉनिक थी, उसका म्यूज़िक कितना आइकॉनिक था, उसके डायलॉग्स कितने आइकॉनिक थे, तो भाई मेरे को तो पूरा मज़ा दे गई और मेरा दिन बन गया है। गाइज आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।